चले निकल गए हैं देशनौक के लिए। हे गाइस नमस्कार, आप सभी को राम राम और खमादनी। तो आज हम निकले हैं देशनोक के लिए। देशनोक एक्चुअली बीकानेर जहाँ पर करणी माता का मंदिर है, तो वहाँ से काफ़ी टाइम से हमारा प्लान बन रहा था जाने का, बट नहीं हो पाया। तो अभी फाइनली हम जाकर आए हैं, तो आज इसी के ही ऊपर बेस्ड है। यहाँ और इनको ना कह रहे हैं कि ब्लॉगिंग कभी की है क्या। तो हम निकल गए पिक करने का, मैं वीडियो नहीं बना पाई उन लोगों को, और उनको लेकर फिर हमने सबसे पहले नाश्ता किया क्योंकि हमने कुछ नहीं खाया पिया था। तो यहाँ पर हम लोग एक रेस्टोरेंट में रुके हुए हैं, और यहाँ मेरे दो भाई और ये भतीजा और ये मेरी बहन, ये सब लगे हुए हैं कुछ ना कुछ खाने में, और ये मेरी चाय। और यार ये लिपस्टिक किस किस के लग जाती है ऐसे, मैं बड़ी परेशान हो चुकी हूँ। प्लीज़ यहाँ पे जितनी भी गर्ल्स हैं बताना ज़रूर मुझे। ये मेरा भतीजा जो बड़ा हाय हाय कर रहा है, और मैं चाय की चुटकियाँ ले रही हूँ। मैंने सिर्फ चाय ही पी है क्योंकि मेरा कुछ मन नहीं था सुबह सुबह कुछ खाने का। मैं वैसे लेट ही खाना खाती हूँ, तो ले रही हूँ, बड़ी अच्छी थी ये। और बस विश्वास नहीं हो रहा था लेकिन अच्छी थी, क्योंकि आपको रोड पर कुछ मिलेगा नहीं, है ना। यहाँ पर आके फिर हमने बीच में थोड़ा सा रोका और डिस्कशन कर रहे हैं। ये मेरा कज़िन जो भाई है तो ये लगा हुआ है कुछ स्टोरीज़ बताने में, और हम लोग रिलैक्स कर रहे हैं। अरे यार मैं मोटे कितनी लग रही हूँ इसमें। अच्छा अब यहाँ पे कुछ भाईसा होंगे जो बोल रहे होंगे कितना ऊँचा लहंगा आपने क्यों पहना है भाई। तो भाई गंदा नहीं होना है क्योंकि ये धुलता नहीं है। यहाँ हम पहुँचे हैं जूनागढ़ फोर्ट, क्योंकि हुआ यूँ था कि हम लोग पहुँचे 2 बजे के करीब या 12 बजे के करीब यहाँ पर। तो हमने सोचा कि इस टाइम पे मंदिर जाना तो कुछ सही नहीं है, सो इससे बढ़िया हम हैं कि बीकानेर ही चले जाते हैं, जूनागढ़ फोर्ट को का दर्शन करते हैं। लिटरली गाइस ये सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है यार। ज़िंदगी तो राजा महाराजा जिया करते थे, अपन क्या ही जी रहे हैं। ठीक है खैर अब जो भी है सब अच्छा है, इसी में खुश रहो, बढ़िया है सब कुछ। यहाँ पे देखो हमने इतनी सारी वैरायटी में शॉट्स देखी हैं, और इतने प्यारे प्यारे दरवाजे, मतलब फ़ोटोशूट में तो मज़े ही आ गए। तो आप सभी ने मेरी बहुत सारी शॉट्स देखी होंगे इससे रिलेटेड टू दिस। अच्छा ये यहाँ पे क्या है, भाले और तलवारों की इतनी वराइटीज़, अरे राम एक बार तो यार सबकी सब आप जाके आना, क्योंकि जिसने ये सब नहीं देखा तो आई थिंक फिर तुम राजस्थान में रही किस बात के रहे हो। तो एक बार ज़रूर आप देख के आना, विज़िट करना, इट्स अ वंडरफुल थिंग। यहाँ पर ये मेरा भतीजा ये लगा हुआ है कि बुआ सा सबकी सब आप लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे हो तो मेरी भी क्लिक करो। इसके जस्ट बाजू में ही शिव मंदिर है जहाँ पे जो महाराजा राजा गंगा सिंह थे वो उन्होंने ही इसको बिल्ड करवाया था। और यहाँ देखो मैं छुप छुप के कोशिश कर रही हूँ कुछ भी करने की। यार एक बात तो कहनी पड़ेगी, जब आप फैमिली के साथ कहीं पर जाते हो तो, और पता है मैं ना इसमें बड़ी परेशान हो रही हूँ क्योंकि मैंने जिस तरीके से इसको टाई किया था ये रही नहीं, गाड़ी में सब कुछ ख़राब हो गया ये, और किसी भी तरीके से मैं इसको लगी पड़ी हूँ पूरा के पूरा, क्योंकि एक तो ये प्योर का जो सूट है ना इसको हैंडल करना भाई ईजी नहीं है। ठीक है फिर ऊपर से इसके साथ सबसे ख़राब चीज़ कि ये धुलते नहीं है, इनको सिर्फ ड्राई क्लीन करवाने पड़ते हैं। तो किसी भी तरीके से केयर करके चल रही हूँ मैं, केयरफुल तरीके से भाई कुछ भी कहो यार। ये जो डिज़ाइनिंग कर रखी है, क्या बोलते हैं इसको, बताना ज़रूर मुझे, नक्काशी समथिंग कुछ बताना ज़रूर। ठीक है आप सभी का वेट रहेगा, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो खैर ये पहला मेरा वॉइस और वीडियो है जो आप लोग मुझे सुन रहे हो। देखिए आप खुद देखिए कितनी सारी वैरायटी ऑफ सोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। और ये देखो ये राठौड़ों का सिंबल है जो मैं अपने हस्बैंड को बता रही हूँ कि देखो ये आपका सिंबल है, देखो ये है आप लोगों का सिंबल जो आप लोग हर जगह चिपकाते हो। ये रहा सबसे ज्यादा मजे कर रहा है ये वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, अभी तक मैं बहुत सारे फोर्ट में जा चुकी हूँ राजस्थान के, लेकिन जो मैंने अभी लेटेस्ट में मेहरानगढ़ फोर्ट गई थी जोधपुर और यहाँ बीकानेर में,
तो यहाँ ऑलमोस्ट आपको जो भी चीज़ें उस वक्त राजा या फिर जो महाराजा थे जो यूज़ किया करते थे या उस वक्त जो वॉर्स में यूज़ हुए हैं, आपको सब कुछ डिस्प्ले मिलेगा। इवन यहाँ पे पोशाकें जो बहुत रेयरली ऐसे थोड़ा सा फोर्ट्स में सिंपल आपको दिखाई देती होंगी, बट यहाँ ये क्या दो फोर्ट्स मुझे कुछ ये ऐसे तो मिले हैं है कि तो यहाँ आपको सब कुछ ही अवेलेबल है। तो ये चीज़ मुझे हैं। बहुत अच्छी लगी। भाई जयपुर के फोर्ट्स में नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग है, जरूर दीवारें हैं। ये देख लो आप भाई जाओ वहाँ पे चिंटू और इमारतें देख के चिंटू वापस आ जाओ, पापा धीरे बट धीरे ड्रेस यहाँ सिल के ऐसा दो। नहीं है, यहाँ पर सब कुछ हाँ है। बट ये महाराजा का वो ही तो है मैं कहती हूँ। तो देखो आज मैंने आपको पूरा अंदर से दिखा दिया होगा, गूगल पे या फिर कहीं पर भी हम देखेंगे तो हमें सिर्फ बाहर की आउटर इमेज मिल जाती है बिल्डिंग की, बट गढ़ की। पर यहाँ मैं आपको इंटरनली सब कुछ दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने बड़े मज़े किए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको भी करवाया जाए दर्शन इनके। और जा पाओ तो बहुत रिया अच्छी बात है, और अगर नहीं जा पाओ तो रिया भाई यहीं देख लो। इधर देख, इनकी 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 वो देख, ड्रेसिंग सेंस देख, इन्होंने पूरा मूर्तियों का पहन रखा है सब। ये मिरर्स देख ये के तो पहन के मुझे सब ऐसा लग ले रहा था लिया जैसे एक मिरर तो मैं लेके ही चली जाऊँ, पर पॉसिबल नहीं है। ये वो हॉल है जहाँ पर मीटिंग्स वगैरह हुआ करती थी इनकी, महाराजाओं की। और राजगद्दी आजा देखो, देखो कहा था ना आजा मैंने जो भाग सबसे के ज़्यादा मस्ती इसने की है और इसको इतने मज़े आ रहे थे। देखो इसको पूरी पूरी वीडियो इसको ही बनवानी है, फोटोशूट गुड इसी को ही करवाना है। अच्छा भी एक बात और बताऊंगी, मुझे किसी ने लास्ट वीडियो में एक कमेंट किया था कि आप लैंडस्केप फॉर्मेट में व्लॉग बनाया करो, तो एक्चुअली मुझे पता है ये चीज़ लेकिन मैं भूल जाती हूँ। आई विल ट्राई इन द नेक्स्ट चलो चलो वीडियो। चलो चलो तो यहाँ हुआ ये चलो था कि हम लोग गए थे और शादी के पहली बार हम कड़ी माता के गए हुए थे, तो हमने सोचा कि चलो गठजोड़े की धूम भी देख लिया जाते हैं। और फिर मेरे पति देव तो हमेशा रेडी थे, हाँ ठीक है ठीक है, उनको तो मुझे पीछे पीछे ले जाने में बड़े मज़े आते हैं। तो सब अच्छा ही हुआ, हम धूम भी देख आए और दर्शन भी अच्छे हुए। मैं अभी आपको आरती भी दिखाऊंगी वहाँ की, क्योंकि हम लोग पहले ही धूप दे चुके थे, उसके बाद हम आरती स्टार्ट हुई थी, तो हम वहाँ से हम निकल चुके थे एक्चुअली। तो आरती को फिर मैंने बाहर से खड़े होकर ही मैंने शूट किया है, तो आप देख लीजिए आरती भी बहुत ही अच्छी। और एक चीज़ और दिखाऊंगी मैं यहाँ पे, क्योंकि करणी माता का मंदिर है तो यहाँ पे काबा, काबा यानी कि चूहे, जो चूहे होते हैं उनका नाम ही काबा है, और यहाँ बहुत ही बहुत ज़्यादा ही है। एक तो एक दो आपको दिख भी जाएंगे इसी वीडियो में, ध्यान से देखिएगा। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है ये करणी माता की वो मूर्ति है जो ओरिजिनल है एक्चुअली। ये देखिए आप जब भी कभी करणी माता के मंदिर में जाएंगे जाते हैं, तो प्लीज़ एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आप
इन चूहों पर कभी भी पैर मत लगाना, बच के चलना, धीरे धीरे चलना, क्योंकि यहाँ की मान्यताएं थोड़ी अलग हैं जो थोड़ी डराने वाली है। तो मच बेटर कि आप थोड़ा सा सतर्क होके ही चलें चूहों से, काबाओं से। अगर आपको वो डिटेल चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा। देखिए यहाँ पे इतने सारे काबा हैं, और कुछ भी आपको जानना होगा काली माता के मंदिर के बारे में या फिर इनके बारे में, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी, लेकिन आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए।